कुछ दिन प्रभु गुरु सन्निधि में रहते हैं। अब देखिए ये तीसरा खंड उपस्थित हुआ। यज्ञ के लिए आए थे, यज्ञ पूर्ण हो गया, अब क्या करना चाहिए? तो राम लक्ष्मण प्रभु को अयोध्या भेज देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सदगुरु का अपना एक संकल्प होता है। गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण प्रभु को नहीं लाए थे, समावर्तन में आयुध सारे समर्पित करने के लिए लाए थे। तप करके जितने आयुध एकत्र किए थे सब समर्पित कर दिए, किसको? राम जी को। श्री राम अर्पणमस्तु। योग्य उत्तराधिकारी मिले तो अपना सब कार्य दायित्व सौंप देना, यही सदगुरु का पिता का परम कर्तव्य है। योग्य उत्तराधिकारी को दे दो, लो थमा लो, अपने आनंद में रहिए। हमारे यहां उत्तराधिकार की तीन परंपराएं हैं। राजा किसको योग्य समझ के राज सौंप देता है? राज परंपरा, पितृ परंपरा। पिता किसको उत्तराधिकारी बना देता है? और तीसरी परंपरा, गुरु परंपरा। सदगुरु किस शिष्य में वो बात उड़ेल देता है, तपश्चर्या दे देता है और शिष्य को योग्य बनाकर सौंप देता है। तीन परंपराएं हैं, हम जिसमें आ जाएं। अब सबको नहीं मिलता, सबको मिलता नहीं। माई बाप देखिए ना, गुरु विश्वामित्र क्यों मांग के लाए? आयुध समर्पण के लिए, तप करके आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम कंद मूल फल भोजन दीन भगत दिए। राम जी की सेवा किए, लक्ष्मण जी महाराज की सेवा की। कौन? परिकर लोग, ब्रह्मचारी लोग। सदगुरु क्या सेवा करेंगे? सदगुरु ममता देंगे कि सेवा करेंगे? आनंदवर्धन हुआ। अब राम लक्ष्मण प्रभु को रोकना है। क्यों रोकना है? इनको लेकर आगे चलना है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने रचना बना रखी है, आगे चलना है। भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यपि प्रभु तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित ये प्रभु देखी धनुष यज्ञ सुनिरघुकुल हर शिरे मुनि पर आश्रम एक दीख जग माई खग मृग जीव जंतु ओछा मुनि हिसला प्रभु दे सकल कहा गौतम नारी शाप बस उपल दे चरण कमल रज चारी अब कृपा कर। गुरु आज्ञा हुई, चरण कमल रज चाहती। कौन चाहती? मां अहल्या। गौतम जी ने शाप का मोचन आपके चरण रज से कहा है, इसलिए हे राम जी आप रज स्पर्श कराइए। और तत्क्षण पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर सरीरा
चरणन लागी जुगल प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई निर्मल बानी अस्तुति ठाई ज्ञान गम्य जय रघुराज पावन रावण रिपोजन सुखदाई जीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरण नहीं आई मुनि श्राप अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखु भर लोचन हरि भव मोचन इहि प्रभु मोरी मैं मति भोली नाथ नमा पद कमल परागा रस अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया
तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट जन्म।